मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधिवत उद्घाटन कर दिया है और विधायकों के लिए जो नए आवास बनाए गए हैं उस आवास का माननीय मुख्यमंत्री निरीक्षण भी कर रहे हैं, यानी कि आवास के अंदर जाकर के वो मुआयना कर रहे हैं कि कैसा आवास बना है। चूँकि राज्य सरकार की योजना है कि सभी विधायकों को एक ही कैंपस में आवास दिया जाए ताकि वहाँ उनके क्षेत्र के जो आने वाले लोग हैं उनको भी कहीं विधायकों की आवास खोजने में कहीं कोई कठिनाई ना हो। और दूसरी बात है कि विधायकों के आवास जो है सो क्रमांकित कर दिया जाए गया, यानी कि विधायकों का जो आवास है वो विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक से लेकर के 243 तक जो भी विधानसभा हैं उसके लिए अलग अलग आवास आवंटित रहेंगे। और अब विधायकों को आवास आवंटित करने की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी, यानी कि जो भी विधायक जिस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होंगे उनको उसी विधानसभा क्षेत्र का आवास आवंटित कर दिया जाएगा। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि विधायकों के लिए अलग अलग आवास आवंटित किए जाते थे और उसमें होता था कि जो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि जिन विधायकों को आवास आवंटित नहीं भी किए गए हैं वो भी उस विधायक आवास में जा करके कब्जा जमा लेते थे, तो ऐसी परिस्थिति में अब इससे लगभग मुक्ति मिल जाएगी और विधानसभा क्षेत्र के आधार पर ही विधायकों का आवास आवंटित है। दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये जो दिया गया है तो वो 14x10 है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुआयना कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो क्या करना, तो एक तरह से कहिए कि उनके साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं और भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं रवि कुमार रवि, वो भी विधायक आवासन योजना अंतर्गत 243 विधायकों के लिए आवास बनाए जाने हैं, उसमें से अभी करीब 65 आवास पूर्ण हो चुके हैं और इसमें से आज माननीय मुख्यमंत्री इसका एक कहिए कि उद्घाटन इन्होंने किया है और अब प्रतीकात्मक रूप से 11 विधायकों को आवास आवंटित करने किए जाएंगे और उनको चाबी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने निरीक्षण कर लिया है नए भवन का और अब प्रतीकात्मक रूप से वो 11 विधायकों को चाबी सौंपेंगे और इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो एक यह ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पहले फेज में पूरा हुआ है। लगभग 65 विधायकों को आवासीय विधिवत मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे और सबसे पहले अलौली विधानसभा के जो सदस्य हैं राम वृक्ष सधा उन्हें आवास आवंटित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री उन्हें चाबी सौंप करके कार्यक्रम के शुरुआत करेंगे। तो ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और राम वृक्ष सधा मंच पर पहुंच चुके हैं, अब उन्हें मुख्यमंत्री चाबी सौंप रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री चाबी सौंप रहे हैं और राम वृक्ष सधा जो अलौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं उनको चाबी सौंपा गया है। संगठन विधानसभा क्षेत्र से हैं इजहार हुसैन और इन्हें भी ये चाबी सौंपा गया है। तो ये बेहतर ये सुल्तानगंज के विधायक हैं, इन्हें भी चाबी सौंपी जा रही है। तो ये ललित कुमार मंडल हैं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं और चाबी समर्पित की शंभुनाथ यादव 193 ब्रह्मपुर बक्सर से ये विधायक हैं और इन्हें चाबी सौंपी जा रही है। शंभुनाथ यादव जी ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक ब्रह्मपुर से आप विधायक हैं। श्री रामबली सिंह यादव जी श्री रामबली सिंह यादव जी माननीय विधायक घोसी 217 जहानाबाद के घोसी विधानसभा से हैं। रामबली यादव विधायक हैं माननीय श्री रामबली सिंह यादव। रामबली सिंह यादव बहुत बहुत बधाई आपको माननीय मुख्यमंत्री अपने रामबली सिंह यादव उनको रामबली सिंह यादव घोसी से विधायक हैं 217 जहानाबाद के
के कोशिश में 217 से आरजेडी विधायक हैं, रणविजय साहू हैं, और ये रणविजय साहू जी माननीय विधायक मोरवा से हैं, सारण से, और माननीय श्री हरिशंकर यादव जी 108 माननीय विधायक रघुनाथपुर, हरिशंकर यादव है माननीय विधायक रघुनाथपुर, उनको भी सौंपा जा रहा है। चूँकि रघुनाथपुर ये सिवान जिले से हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी इन्हें अरुण सिंह हैं माननीय विधायक हैं काराकाट से, भाकपा माले के विधायक हैं, और इन्हें भी मुख्यमंत्री ये काराकाट से विधायक हैं भाकपा माले के अरुण सिंह जी, इनको भी तमाम माननीय विधायकों को आवास की समस्या होती थी और लगातार विधानसभा अध्यक्ष से ये लोग बातें करते थे कि आवास चाहिए, लेकिन अब आवास जो इनकी डिमांड थी वो डिमांड पूरी हो गई। लगातार विधायक जी हैं रणविजय साहू जी, आवास कैसा है, आवास अलॉट हो गया है? आवास अलॉट हो गया है, 13/10 हमारा आवास अलॉट हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि 2 साल के बाद हम लोग को जगह मिला। चूँकि कार्यकर्ताओं को या पार्टी के जो वर्कर हैं या जो बीमार मरीज होते थे खासकर, उनके लिए काफ़ी तकलीफ हुआ करते थे। हम लोग किराए में रहते थे, जिसके कारण अब पूर्ण रूप से उनको अच्छे से सेवा हम दे सकेंगे, ये बड़ी ही खुशी की बात है। बड़ी तमाम कार्यकर्ता आते थे आपके क्षेत्र से, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, अब लगता है कि वो अब समस्या दूर हो गई। अब हाँ, अब समस्या दूर हो गई, अब ये आवास और एक ही जगह सारा परिसर है, सारा सुविधा है, पार्क है, तो ये बड़ी ही खुशी की बात है हम लोग। कैसा लगेगा जब सभी विधायक एक कैंपस में रहेंगे, तमाम सुविधाएं मिलेगी, लगता है कि बेहतर खुशी का अनुभूति होगी? बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत खुशी हो रही है कि सारे विधायक रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत भी होगा, चर्चा होगा, क्षेत्र का चर्चा होगा, विकास की चर्चा होगा, अनुभव एक दूसरे को बांटेंगे, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा व्यवस्था किया गया। कार्यकर्ताओं के भी कन्फ्यूजन अब दूर हो जाएगी, कैंपस में आएंगे जिस विधायक के पास जाना होगा अपने विधायक के पास, हाँ उनको भी सहूलियत होगी, क्योंकि आएंगे MLA आवास और एक ही जगह सभी माननीय विधायक से मुलाकात हो जाएगी, बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया। डीएन आप गए थे, घूमे हैं क्या, कैसा? हम तो घूमे हैं, पहले तो उस समय निर्माणाधीन था, और आज तो देखते हैं अंदर जाके, बढ़िया ही होगा, अच्छा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट विधायक आवास आवासन योजना जो है वो पूरी हो गई है, तमाम माननीय विधायकों को अब उनको आवास, खुद का आवास मिल गया है। हमारे साथ विधायक जी, कैसा लग रहा है एक कैंपस में सभी विधायक जी लोग रहेंगे, कैसी अनुभूति होगी? बहुत खुशी हो रही है, सबसे पहली बात है कि अपना घर मिल रहा है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, अध्यक्ष महोदय को और भवन निर्माण मंत्री जी को दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं, और उनको बहुत खुशी होती है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अपना मकान होता है, एक विधायक का एक डिग्निटी होती है, किराए पर रहते तो अपनी डिग्निटी नहीं थी, आज हम लोग एक डिग्निटी मिल रही है, और सब मिलजुल के रहेंगे कितना अच्छा होगा, हम लोग का मिलजुल के हर बात होगी, मशवरा भी होगी, बहुत अच्छा लगा। मैं फिर पहले भी डिमांड थी, आप लोग लगातार डिमांड आप लोग कर रहे थे कि जो क्षेत्र से लोग आते हैं उनको समस्या होती है या इलाज कराने आते हैं उनको समस्या जी, किराए पर रहने का मतलब है कि वहाँ तो बहुत कम घर मकान में होता है, रूम होता है, लेकिन यहाँ पर्याप्त रूम हो गए यहाँ पे लोगों को आने के, और फैसिलिटी भी अच्छी है, और हर तरह की फैसिलिटी जो है, इसलिए अवाम को भी खुशी होगी और वहाँ लोग भी आएंगे, उनको परेशानी नहीं होगी, ये हम लोग की दिल की ख्वाहिश भी थी, ताकि अवाम जनता आती है तो बेचारे दो गरीब लोग आते हैं, बाहर आना पड़ता है, अब हम लोग का मकान मिल गया, अपना मकान मिल गया, अपना मंत्री जनता का मकान मिल गया, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। मंत्री जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि तमाम विधायक एक कैंपस में रहें, एक दूसरे से बात करें, भले पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग देखिए वैचारिक मुद्दा एक बहुत अच्छा है, और जब एक जगह नहीं, जाहिर सी बात हम लोग का विचार एक होगा और एक जगह आपस में बैठ के मशवरा भी होगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही है इसके लिए। दूरी जो है वो अब घट जाएगी? बिल्कुल ऑफ कोर्स, यही तो दूरियां कम हो जाएगी और कम हो भी गई है, और इंशाल्लाह और कमी हो जाएगी। कैसे लग रहा है विधायक जी, अपना आवास अब मिल गया, आप क्षेत्र से लोग आएंगे अब उनकी समस्या को दूर करेंगे? सबसे पहले तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, अलौली विधानसभा के महान जनता मालिक को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिनके बद बूते आज इस विधानसभा में पहुंचे हैं, और बधाई देता हूं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और बधाई देते हैं हम अपने नेता
बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव जी को और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी को और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी को तमाम लोगों को बधाई देते हैं जिनके स्नेह प्यार आशीर्वाद से आज हम लोगों को यह विधायक आवास में एक जगह तमाम विधायकों का आवास मिला है। इनके लिए तमाम लोगों का धन्यवाद और बधाई। दूरी अब घट जाएगी जो विधायकों के साथ जो दूरी थी, अब लगता है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, तो बहुत अच्छा हुआ कि सब लोग अब एक जगह बैठेंगे और पक्ष और विपक्ष सदन में होता है, बाहर हम तमाम एक भाईचारे के नाते सभी लोग रहते हैं और अब एक जगह रहेंगे तो और भाईचारा प्रेम बढ़ेगा। समस्या काफी होती थी, जो क्षेत्र से लोग आते थे उनको समस्या होती थी, अब लगता है कि समस्या का निदान हो गया। जी बहुत काफी समस्या होती थी और अब सबसे ज्यादा है कि हम लोगों का क्षेत्र बहुत गरीब क्षेत्र है, वहां से बहुत लोग बीमारी के लेकर इलाज कराने के लिए जो लोग आते थे वह दर दर भटकते थे। हम लोगों को पूछते थे विधायक जी आपका आवास कहाँ है, तो बड़ी तकलीफ होती थी और तकलीफ मुद्रा में बोलते थे कि अभी तक हम लोगों का आवास नहीं मिला है। अब तमाम माननीय लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से हम लोगों का आवास प्राप्त हुआ है। इसके लिए तमाम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष जी तमाम लोगों को बधाई एवं अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल डग जी, कैसा लग रहा है एक कैंपस में सभी लोग रहेंगे? तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। समस्या थी आवास को लेकर, ये अब दूर की समस्या हम लोग बराबर मुख्यमंत्री जी से उठाते रहते थे कि हम लोग प्राइवेट डेरा में परेशानी होती है और वहाँ पर इजी हम लोग फील नहीं करते हैं। और अब तो आवास होगा, सभी दल के लोग एक साथ रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें थोड़ा सा आवास में कुछ संशोधन की जरूरत है, जैसे नीचे में जहाँ हमारा कार्यकर्ता रहेगा वहाँ बाथरूम वेस्टर्न है, जबकि देहात के लोग आते हैं तो उसको इंडियन चाहिए। नहीं तो ये बात हम उठावेंगे कि इंडियन चाहिए, वेस्टर्न नहीं चाहिए। बिल्कुल, तमाम माननीय जो सदस्य हैं उनकी जो डिमांड थी वो अब पूरी हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम विधायकों को आवास का आवंटन कर दिया है। 65 लोगों को जो है आवास का आवंटन हुआ है माननीय सदस्यों को, जिसमें तमाम माननीय सदस्य रहेंगे, उनके परिवार के लोग रहेंगे, उनके क्षेत्र से जो लोग आएंगे जिनकी समस्याएँ होती थी या उनको डॉक्टर को दिखाना होता था या उनके सचिवालय में काम होता था, तो वैसे लोगों को अब रहने के लिए भी माननीय सदस्यों के यहाँ अब बेहतर व्यवस्था जो है वो अब मिलेगी। तो तमाम माननीय विधायक भी काफ़ी खुश हैं मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सपने को साकार किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों के लिए विधायक आवासन योजना की जो शुरुआत की थी वो शुरुआत अब जो है अंतिम रूप ले रही है और आज इसका उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये विधायक आवासन योजना के तहत जो है आवास जो विधायकों को माननीय सदस्यों को जो मिलेगा उसमें विधानसभावार जो भी माननीय सदस्य चुन के आएंगे वैसे लोगों को जो है अलॉटमेंट उसका किया जाएगा। देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं 14/11 जो अंकित है उसमें एक कोड भी है जिस कोड के माध्यम से तमाम माननीय सदस्य को जो आवास का जो आवंटन हुआ है उसमें उनके विधानसभा क्षेत्र वार जो है वो आवंटन हुआ है। जो बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये विधायक आवास की बाहर की जो तस्वीर है, देखिए ये पोटिको है, इस पोटिको की जो लंबाई चौड़ाई है उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है, उसकी जानकारी भी पूरी दी गई है। 17x22 फीट की जो है ये पोटिको है, इसमें आसानी से जो है दो गाड़ियाँ जो है वो आराम से लग सकती है। इसकी पूरी व्यवस्था जो है भवन के बनाने में जो है वो रखी गई है ताकि जो भी माननीय सदस्य जब आएंगे तो उनकी गाड़ियों को जो है पार्किंग बेहतर तरीके से हो सके उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो की गई। देखिए फ्रंट लॉन जो है जो मनी आवास के का जो फ्रंट लॉन है वो 24x18 जो है 18 फीट का जो है ये फ्रंट लॉन है और फ्रंट लॉन पे ही जो है खासतौर पे ड्रेनेज की व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि जब बरसात के मौसम में जब यहाँ पर बारिश हो तो जल जमाव की स्थिति ना हो इस लॉन में, इसकी पूरी जो है वो व्यवस्था की है। बागवानी भी लगाया गया है, देखिए जो मनी सदस्य जो यहाँ बैठेंगे लॉन में तो बागवानी की भी पूरी व्यवस्था है, तमाम फूल वूल भी लगाएंगे और अपने अगल बगल हरा भरा रखे इसकी भी पूरी व्यवस्था जो है वो की गई। तो ड्रेनेज की बेहतर व्यवस्था जो है इस फ्रंट लॉन में की गई है ताकि जब माननीय सदस्य के साथ साथ उनके क्षेत्र से जब लोग आए, उनके जो कार्यकर्ता आए, उनके जो समर्थक आए तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका विशेष रूप से जो है वो ख्याल रखा गया है। देखिए ये बालकोनी भी बनाया गया है इस भवन में, बालकोनी 5x4.8 जो है फिट की जो है ये बालकोनी है, जिस बालकोनी के माध्यम से भी जो है हवा आए या अंदर रहते हुए भी
बाहर देखी जा सके, इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो इस भवन के बनाने में रखी गई थी। पूरी डिजाइन जो है वो बेहतर तरीके से की गई है और कोशिश है कि माननीय सदस्यों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, जब उनके क्षेत्र से लोग आए उनको परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया। और ये ठीक जो आवास जो है वो एकदम पीक जगह पे है, ये जो है ठीक इनकम टैक्स के बगल में जो है इस आवास का निर्माण कराया गया है। तो मुख्यमंत्री की ये कोशिश थी कि तमाम विधायकों को एक ही कैंपस में उनको आवास अलॉटमेंट किया जाए, एक ही कैंपस में माननीय सदस्य रहें, ताकि क्षेत्र से जो लोग आए उनको किसी तरह की कोई माननीय विधायकों को खोजने में समस्या ना हो, उनके आवास को खोजने में समस्या ना हो। तो इसको लेकर देखिए तमाम जो तस्वीर है ये विधानसभा के विधायकों के आवास की तस्वीर है और इस आवास के निर्माण में हर बारीकी चीज पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई समस्या ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल जो है वो आवास के निर्माण में रखा गया है। आइए चलते हैं रूम के अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि रूम के अंदर किस तरह की व्यवस्था है। माननीय विधायकों को जो आवास अलॉटमेंट किया गया है उसमें ड्राइंग रूम, देखिए ड्राइंग रूम जो है 13x18 फीट की जो है वो ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में सोफे लगे हैं, एक बेड भी लगा हुआ है, टेबल लगी हुई है और तमाम ये व्यवस्था जो है वो भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो है कराई गई है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस ड्राइंग रूम में आराम से विधायक जो है अपने समर्थकों के साथ बैठ सकते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और एक कोशिश जो है वो की गई है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया। ड्राइंग रूम के ठीक बगल में जो है वो डाइनिंग रूम है, इस डाइनिंग रूम में जो है टेबल कुर्सी जो है वो भी लगाई गई है, गोदरेज इंटीरियो कंपनी की भी टेबल और कुर्सी लगाई गई है। और तमाम माननीय सदस्य जब आएंगे, जब वो रहेंगे, तो उनको जो है तमाम अपने समर्थकों के साथ या अपने अपने परिवारजनों के साथ इसी डिनर यहाँ पे डिनर कर सकते हैं या लंच कर सकते हैं इस डाइनिंग रूम में। तो 13x14 फीट का जो है ये डाइनिंग रूम बनाया गया है और इसी डाइनिंग रूम में जो है खाने की व्यवस्था है, तमाम लोग जो है अपने लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। तो पूरी बेहतर तरीके से व्यवस्था देने की कोशिश जो है वो इस भवन के बनाने में की गई है। देखिए अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये किचन की तस्वीर है। किचन जो है 11x15 फीट की किचन है और इस किचन को जो है मॉडल किचन बनाया गया है, मॉडलर किचन बनाया गया है। इसमें जो है लोगों को जो है खासतौर पे जो खाना बनाने के दौरान जो है वो किस तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया। और इसके ठीक बगल में जो है दरवाजे भी लगाए गए हैं, किचन से अटैच दरवाजे भी हैं, अगर किसी कारणवश किसी को परेशानी होती है तो ये दरवाजा खोल के बाहर भी जा सकता है। जो कुकर है वो कुक जो है वो बाहर भी जा सकता है और फैन एडजस्टर के साथ साथ तमाम व्यवस्था जो है वो देने की कोशिश जो है वो की गई है। देखिए ये बेहतर तरीके से इसका डिजाइन भी किया गया है ताकि जो भी जो है घर के सामान जो है उसमें रख सके, इसमें जो है आरओ रख सके, तमाम व्यवस्था जो है वो बेहतर की गई है इस बार भवन इसके निर्माण में। तो पूरी व्यवस्था जो है, किचन जो है मॉडलर किचन बनाया गया है, 11x15 फीट का ये किचन है और ओपन किचन है, काफी खूबसूरत इसका डिजाइन भी किया गया है। और ठीक इसके बगल में रैक भी बनाया गया है ताकि जो भी सामान है उस सामानों को रख सके, इसको लेकर रैक की भी व्यवस्था की गई है। तो काफी खूबसूरत डिजाइन जो है वो किचन में किया गया है कि ताकि माननीय विधायक जो हैं जब वो आएंगे तो उनको किस तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया। देखिए ये ठीक बगल में गेस्ट रूम है, इस गेस्ट रूम में जो है तमाम माननीय विधायक के जो लोग आएंगे, खासतौर पे जो उनके समर्थक आएंगे या उनके क्षेत्र के लोग आएंगे या उनके संबंधी आएंगे, रिलेटिव आएंगे, तो उनको परेशानी ना हो। डाइनिंग रूम जो है उससे अटैच है, ड्राइंग रूम से अटैच है, ताकि जो भी गेस्ट जो है गेस्ट को अगर बाहर जाना पड़े या बाहर बैठना पड़े तो उनको जो किसी तरह की कोई समस्या ना हो। देखिए ये रैक भी बनाया गया है, इस रैक में जो गेस्ट हैं वो अपने सामानों को जो है सुरक्षित रख सकते हैं, इसमें लॉकर की व्यवस्था है, इसमें लॉक करके अपने सामान को रख सकते हैं। जो गेस्ट आ रहे हैं उनको, जो आते हैं उनको परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल जो है वो रखा गया है। तो ठीक जो नीचे की का जो फ्लोर है, नीचे का फ्लोर हमने बताया है कि ठीक उसके बगल में जो है एक जो है ऑफिस जो है रूम है, जो कि माननीय विधायक जब रहेंगे तो ऑफिस रूम भी बनाया गया है, ताकि ऑफिस में जो है वो 12x16 फीट का जो है वो इसका आकार है, इस आकार का जो है ऑफिस बनाया गया है। इस ऑफिस में माननीय विधायक जो हैं जब बैठेंगे तो अपने क्षेत्र के लोग जो आएंगे उनकी समस्याओं को सुनेंगे, इसकी कोशिश भी वो की गई है। ठीक बगल में ऑफिस के बगल में ही जो है अटैच बाथरूम भी बनाया गया है, अटैच बाथरूम है ताकि जब माननीय सदस्य जब बैठेंगे उनको समस्या जो है ना हो, किसी तरह कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से जो है वो ख्याल रखा गया है। तो बाहर भी अटैच जो है रूम है इस
ऑफिस रूम के ठीक बगल में जो है बाहर भी एक रूम है, पीए रूम है, जो माननीय विधायक के जो पीए हैं, जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनके रहने या बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है। यहाँ पर जो है वो 9x12 फीट का जो है यह इसका आकार है। यहाँ पर पीए का रूम है, पीए बैठ सकते हैं, पीए जो है कोई व्यक्ति अगर आता है क्षेत्र से तो उनसे जो है मुलाकात कर सकता है, बात कर सकता है। और ठीक बगल में एक छोटा सा जो है पैंट्री भी है, 6x6.7 आकार का जो है एक पैंट्री है, जहाँ पर जो है पीए सर्वेंट ये तमाम लोगों के लिए जो है यहाँ पर रहने की खाने की पूरी व्यवस्था जो है वो निचले फ्लोर पे की गई है। तो काफ़ी बेहतर डिजाइन किया गया है, पीए रूम हो, गेस्ट रूम हो, ऑफिस रूम हो, ड्राइंग रूम हो, तमाम व्यवस्था जो है वो बेहतर तरीके से की गई है, ताकि माननीय सदस्य को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ है और तमाम विधायकों को उनको आवास जो है डुप्लेक्स आवास मिल गया है। और डुप्लेक्स आवास के नीचे की तस्वीर हम दिखाते थे, आइए अब चलते हैं ऊपर की तस्वीर दिखाएं। 2 फ्लोर का ये जो है डुप्लेक्स जो है बना है, ताकि माननीय विधायक जो है उनको परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल जो है इस डुप्लेक्स के बनाने में हुआ है। और नीचे की तस्वीर आपको हमने दिखाया थी, अब ऊपर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ऊपर में माननीय सदस्य और उनके परिवार के लोग जब रहेंगे तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है वो की गई है, ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये फैमिली लॉन्ग है, फैमिली लॉन्ग है, फैमिली लॉन्ग में जो है तमाम 13x11 फीट का जो है इसको बनाया गया है, ताकि जो फैमिली के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर बैठ सके, वो यहाँ पर जो है बातें कर सके, वो अपने घुल मिल सके, इसकी व्यवस्था जो है वो की गई है। और ठीक उसके बगल में जो है ये देखिए ये बालकोनी है, बालकोनी का आकार भी जो है वो बड़ा है, इसमें जो है तमाम जो ट्रेस ओवर पोर्टिको है, पोर्टिको भी बड़ा बनाया गया है, पोर्टिको की जो चाई है ओपन ट्रेस है, ये 14x13 फीट का जो है, और ये ट्रेस ओवर पोर्टिको जो है वो 14x13 फीट का जो है वो बनाया गया है। तो बालकोनी के बनाने में भी, बालकोनी के निर्माण में भी बेहतर जो है हर बारीकी चीज़ का जो है वो ख्याल रखा गया है, बारीकी से बारीकी बातों पर ध्यान रखा गया है। और खासतौर पर जो माननीय विधायक जो है अपने परिवार के साथ जब रहेंगे तो इस फैमिली लॉन्ज में जो है वो बैठ सके, लॉबी भी बनाई गई है, इस लॉबी के अंदर भी जो है यहाँ पर टेबल कुर्सियाँ लगेगी, ताकि जो माननीय सदस्य अपने परिवार के साथ लॉबी में बैठेंगे तो वहाँ बातें कर सकेंगे। देखिए बेडरूम बनाए गए हैं, जो है बेडरूम जो है 11x15 फीट का बेडरूम है, और इस बेडरूम में जो है सोफे के साथ साथ जो है बड़ा पलंग भी लगाया गया है, उस पलंग में जो है 7x7 का पलंग है, और इस पलंग में जो है तमाम माननीय सदस्य जो है अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। तो बेडरूम की डिजाइन भी बेहतर तरीके से की गई है, देखिए इसकी डिजाइन जो है वो की गई है, 11x15 फीट का ये बेडरूम है, 11 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा जो है वो बेडरूम है। तो इस बेडरूम के निर्माण में भी बेहतर तरीके से ख्याल रखा गया है, रैक बनाया गया है, इसमें जो है अलमीरा बनाया गया है, ताकि माननीय सदस्य के जो है कपड़े या अन्य सामान जो है लॉकर में रखा सके, पर्स इत्यादि जो है रखने के लिए इस लॉकर की व्यवस्था, लॉकर भी बनाया गया है, इस लॉकर में जो है वो रख सकते हैं। ठीक बेडरूम के बगल में जो है अटैच जो है वो ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम है जहाँ पर कपड़े बदल सकते हैं, अटैच भी टॉयलेट भी है। तो बड़ा खुशनुमा, बड़ा सुंदर जो है इसका डिजाइन भी किया गया है। जो वॉशरूम है, वॉशरूम की भी जो है लंबाई चौड़ाई काफ़ी बेहतर है, वो काफ़ी अच्छा और डिजाइन किया गया है, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो इसका विशेष रूप से ख्याल जो है वो रखा गया है इस बेडरूम के निर्माण में। और लॉबी के ठीक बगल में ही जो है एक और बेडरूम है, एक और बेडरूम जो है, 3 बेडरूम जो है वो ऊपर बनाए गए हैं, जिसमें जो है पलंग के साथ साथ जो है बालकोनी भी बनाई गई है, ताकि बालकोनी के से बाहर की तस्वीर भी जो है माननीय सदस्य उनके परिवार के लोग देख सके, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर आता है अगर तो उनको बाहर से वो देख सके, समझ सके कि आखिर कौन है, उनके क्षेत्र के कौन लोग आए हैं। और ठीक उसके बगल में एक और बेडरूम है, कुल 3 बेडरूम जो है वो ऊपर बनाए गए हैं। मिडिल बेडरूम है जो 13x14 फीट का जो है वो बेडरूम है, और एक बड़ा बेडरूम है, और इस बेडरूम में जो है बेडरूम की चौड़ाई लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें आराम से जो है माननीय सदस्य के जो लोग हैं वो रह सकते हैं। उसके साथ ठीक जो बेडरूम है उसके ठीक अटैच जो है वो बाथरूम है, तो बाथरूम भी है, 3 बड़े बड़े बेडरूम जो है वो उसमें बनाए गए हैं, ताकि माननीय सदस्य के साथ साथ उनके परिवार के लोग जब रहें तो ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल भी रखा गया है। और ठीक बगल में जो है पूजा के लिए भी एक रूम बनाया गया है, जो 6x6 का जो है वो पूजा रूम है, जहाँ तमाम लोग जो है पूजा कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। और बालकोनी जो है वो 9x11 का जो है वो बालकोनी है, जो पूरा ओपन बालकोनी है, यहाँ से
बाहर की तस्वीर जो है वो दिख सकता है। इसी को लेकर पूरी डिजाइन भी की गई है, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है, बालकोनी में भी लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था की गई है। तो एक तरह से कोशिश है कि माननीय सदस्यों को परेशानी ना हो, माननीय सदस्य जो को बेहतर सुविधा मिले, इसको लेकर जो है जो आवास का निर्माण हुआ है उसमें हर बारीकी पर ध्यान रखा गया है। और एक कोशिश है कि माननीय सदस्य जब अपने क्षेत्र में आए, क्षेत्र के लोग उनके घर आए, उनके इस आवास में आए, उनको हर तरह की सुविधा जो है जो मिलनी चाहिए वो सुविधा मिले, इसकी विशेष रूप से ख्याल भवन के डिजाइन में किया गया है। कैमरामैन अंजीर के साथ उन्नीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।